देखो, और जब आप करें, हम दोनों का पेट थोड़ा बड़ा है तो हम दोनों का मतलब देखिएगा। मम्मा और तेरा, नहीं, तो अपन दोनों का। आप करें, पेट थोड़ा बड़ा है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए हम जो ज्यादा दिखाते हैं ब्लॉग में। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख होंगे। दोस्तों हम हो चुके हैं, अगर साथ हम हो चुके हैं, हम कर टाइम फ्री और आज हम देखेंगे बाहर की दुनिया। आज हम देखेंगे बाहर की दुनिया, मतलब कि अब हम बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। और दादू ऊपर से नीचे आने वाले हैं। दादू ऊपर से नीचे आने वाले नहीं, आ चुके हैं, अभी स्नान कर रहे हैं। तो ठीक है, ब्लॉग को करते हैं हम कंटिन्यू। आपको बता दूं कि ये हो चुका है हमारा सुबह का नाश्ता। हम लोग करते नहीं है, सीधे खाना तैयार। ये है टमाटर की चटनी, केरी का अचार, और ये क्या है, पिंड खजूर का अचार, और मेथी के पराठे, और ऊपर से मक्खन। बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं रहती है, इसलिए डॉली से पूछ लेता हूँ। हाँ, तो बस ये बस खाने के बाद हम सीधे ऑफिस के लिए रवाना होंगे। डिमांड थी कि डॉली नया मक्खन है कि नहीं, ताजा वाला तत्काल बनाना पड़ा। चलो ठीक है, अब हम सीधे होंगे ऑफिस के लिए रवाना। तो गाइस आपको बता दूं कि ऑफिस आने के बाद देखा कि नानू भैया यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन नानू भैया की इच्छा है कि आने वाले फ्राइडे सैटरडे और संडे की हम छुट्टी रखें। तो बस हमारा मूड है कि 3 दिन और आप रखेंगे, जिससे कि नानू भैया भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करें, शिवा भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। और मैं तो 6 दिन होम क्वारंटाइन रहने के बाद 7वें दिन आया हूँ, लेकिन 3 दिन और आराम मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन और आराम कर लें। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ गिलड़ बाबा के दर्शन करने। किसके साथ, तो आपको बता दूं कि नरेंद्र के साथ मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र आपके साथ चुका है, और नरेंद्र और हम दोनों अब जा रहे हैं गिलड़ बाबा के दर्शन करने। तो गाइज यहाँ आकर हमने किए भीलड़ बाबा के दर्शन, और भीलड़ बाबा के दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस ऑफिस तो आया, लेकिन मन नहीं लगा कि ऑफिस में क्या करें, तो मैं सीधे पहुँच गया घर। मैं पहुँच चुका हूँ घर, और आपको बता दूं कि पापा की तबीयत हो चुकी है बिल्कुल ठीक, और अभी देख रहे हैं टीवी और मस्त मजे कर रहे हैं। मम्मी भी बैठी हुई है, और आयु क्या बात है, ठंड है? मेरे को तो ज्यादा ठंड नहीं लग रही यार। हाँ भैया, ठंड है तो तुमने ऐसा तो कुछ लगाया नहीं, कानान तो बांधे नहीं, बस कंबल ओढ़ के लेट गए। तो स्कार्फ क्यों पहना? किसने? मैंने? मैं तो अब खाना खा के इवनिंग वॉक पे जाऊंगा, इसलिए पहना है। और मैंने क्रीम रोल लिया ना। क्रीम रोल को आएगा? नहीं नहीं क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। प्लीज रोज 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 क्रीम रोल, बस रोज नहीं, कल लिया था क्या? हाँ कल नहीं लिया था, कल नहीं लिया था, कल मैंने बिस्किट लाया था क्रीम रोल की जगह, आज खाऊंगा। चलो ठीक है, आराम करो, ठीक है, हम आ रहे हैं घूम के। जब ठेला आ जाए मेरे को बता देना। ओके, नीचे ही तो आगे शक हो गए। हाँ बता देना, अलाउ सकेंगे तब बता देंगे आपको। ओके, अरे फाइनली हो चुका है खाना खाने के बाद घूमने जाने का टाइम, और आयु रहेगा घर पर क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, और डॉली भी बस तैयार हो चुकी है, बस अब हम निकलेंगे सीधे घूमने के लिए। और फिर उसके बाद आयु और डॉली तो अलाव तापेंगे, लेकिन मैं निकल जाऊंगा दीदी के घर। बोलूंगी मेरे साथ अलाव तापे? नहीं, मैं जाऊंगा दीदी के घर। और देखो गाइस, देखो देखो, इनने ना दो दो स्वेटर पहनी और मुझसे बोलते हैं चीजें बताने के लिए। एक ही बहुत है, तो चार मिनट जाएगा, सर्दी बढ़ जाएगी। अलाव तो अपने, अलाव तो अपना।
गाइस ये जल चुका है अलाव और बस इस आग से हमें ठंडक से राहत मिलेगी। मुझको ना आराम से काम करना, मैं आधे घंटे में आती हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट बड़ी फ्री हो गई है तो ये आपको बता दूं कि अचानक मेरे पास फ़ोन आया कि जीजा जी की तबीयत ख़राब है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो फिर मैं उन्हें लेकर पहुंचा स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां उनका उपचार कराने के बाद सुबह सुबह हम निकल पड़े इंदौर के लिए। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में जीजा जी का उपचार कराया और फिर वहां से हम थोड़ी देर बाद पहुंच गए हमारी प्यारी दीदी के यहां। तो शो कुछ तो सुना दे यार, सुन तो इधर तो देख। अरे सुनना बंदर, कुछ तो सुना दे यार, कुछ तो सुना दे। इधर आ, कहाँ जा रहा है? आई भाई को ले आऊं फिर? हैं? ले वीडियो में बता दे आई भाई से क्या बोलना चाहता तू। आई भाई आ जाओ। कब? इंदौर से आने के बाद काफी थक चुका था तो अब आयु के साथ थोड़ी सी मस्ती करूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। और ब्लॉग में ज्यादा कुछ खास तो नहीं था लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है, खास है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और साथ में मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, गुर्जर यादव ब्लॉग। और मेरे चैनल को भी करो। ये भाई साहब आ गए, भाई साहब गेमर को गेमर को भी सब्सक्राइब करें। और जब आप करें, हम दोनों का पेट थोड़ा बड़ा है तो हम दोनों का मतलब मम्मा और तेरा नहीं तो अपन दोनों का माफ करें, पेट थोड़ा बड़ा है, भूख ज्यादा लगती है इसलिए हम जो ज्यादा दिखाते ब्लॉग में। और दूसरा जे तो ये आज लाया था ना। ओके तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। खा लो।